खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने अभिनेता राजीव खंडेलवाल। उनकी आने वाली फिल्म का नाम है प्रणाम। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा राजीव, फिल्म का नाम काफी अलग है, प्रणाम, मतलब इसके पीछे क्या है? फिल्म तो काफी अलग नजर आई रही है, ये एक सस्पेंस जैसा बन गया टाइटल भी, कि प्रणाम क्यों है फिल्म का नाम? यूं समझ लीजिए, प्रणाम है 80 के दशक को, जो 80 का दशक था जब एक विशेष किस्म की फिल्म बनती थी जिन्हें बाद में क्लासिक हिंदी सिनेमा कहा जाता है। तो ये प्रणाम उस दशक को है। अच्छा। ये प्रणाम उस जिंदगी को है जो आपको सौंपी जाती है। एक जिंदगी हम जीते हैं और इस जिंदगी आपको सौंपी जाती है, तो ये अब जीवन तो जीना है, तो जिस भी सर्कमस्टेंस में आप जिंदगी जी रहे हैं, ये उस जीवन को प्रणाम है। तो जैसे कि हमारा जो किरदार है वो एक ख्वाब देखता है और उसका बन ख्वाब होता है कि वो अपने पिता के ख्वाबों को पूरा करे, और वो ख्वाब ऑलमोस्ट लगभग पूरा कर ही चुका होता है, लेकिन ज़िंदगी का कुछ अलग ही प्लान होता है उसके लिए, और फिर वो उसे एक अलग दिशा में ले जाती है ज़िंदगी, और फिर उसके पास ना चाहते हुए भी वो उस ज़िंदगी को प्रणाम करता है, और फिर किस तरह से आगे उसकी ज़िंदगी बढ़ती है और क्या होता है, तो ये बेसिकली एक प्रेमाइस है कहानी का। बहुत ही सिंपल सा प्रेमाइस है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है, सिंपल सी स्टोरी है। 80 के दशक में से बहुत सारी फिल्में बनती थी कि बाबूजी चाहते हैं कि मेरा बेटा ये बने वो बने, और बेटा उसके लिए कोशिश करता था उसके सपनों को पूरा करने के लिए, और फिर कुछ ऐसा जिंदगी में हो जाता है कि सब कुछ हे वायर हो जाता है। ऐसा ही कुछ किरदार आपका नजर आ रहा है कि आपको IAS ऑफिसर बनने के लिए पापा कहते हैं और आप बनते भी हैं, फिर जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है। तो 80 के दशक को जो आप लोग एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, वो एक इस कहानी का ही हिस्सा है, ये एक आफ्टर थॉट था या कुछ बताएंगे? ये इस कहानी का हिस्सा था। अगर आप फिल्म देखेंगे, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको ट्रेलर में वो एहसास एक फील आएगा आपको, आप गाने सुनेंगे तो आपको गानों में फील आएगा। जितने गाने हैं इस फिल्म के अंदर वो सारे मेलोडियस गाने हैं, कोई रीमिक्स गाना यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। जो सिचुएशन है फिल्म की या जो मुद्दा है फिल्म का, वो बहुत ही टुडे है, आज का मुद्दा है वो। और आज का मुद्दा, कमाल की बात तो ये है कि 80 में भी वही मुद्दा था और आज 2019 में भी वही मुद्दा है, कि जो एग्जामिनेशन पेपर के जो लीक होता है, जो लीकेज है, जो आज भी यूपी बिहार में लीक होते हैं एग्जामिनेशन पेपर, अभी 3 महीने पहले भी वो कहानी खबर बाहर आई थी, तो जो मुद्दा है वो बहुत ही टॉपिकल रहा है पिछले 3-4 दशकों में। कंटेम्प्रेरी है, लेकिन जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग और जो थॉट था, जब पहली बार उन्होंने मुझे, संजीव जायसवाल मुझे मिले, उन्होंने बोले राजीव मैं एंग्री यंग मैन वापस क्रिएट करना चाहता हूँ एक बार, तो मैंने कहा कि ये सब कॉन्सेप्ट तो निकल जा चुके हैं, यू नो, अब कोई एंग्री यंग मैन नहीं होते हैं। पर उनकी इच्छा थी कि उन्होंने मुझे कहा कि राजीव मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, मैं इन्हीं फिल्मों पे बड़ा हुआ हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊँ जो कि बिल्कुल किसी भी एक्सपेरिमेंट के बिना हो, मतलब जो कि हम बनाएं उसको उसी श्रद्धा के साथ में, उसी निष्ठा के साथ में जैसे तब बनाई जाती थी। और वो एंग्री यंग मैन से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने कहा मेरा एक सपना है कि मैं रिक्रिएट करूं वैसा ही ड्रामा। और उनका ये भी मानना है कि ऑडियंस बहुत पसंद करती है जब उसमें ड्रामा होता है, इमोशन होते हैं, एक्शन होता है, तो एक जो एक फिल्म में बनती थी बिल्कुल वैसी की वैसी फिल्म बनाई है। जैसा कि मैंने कहा आपको, आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे, आप ट्रेलर में भी देखें तो ट्रीटमेंट है वो आज का नहीं है कि कुछ अलग अलग विचित्र किस्म के कैमरा एंगल हैं, बहुत सिंपल से कैमरे लगाए थे और बहुत सिंपल से शूट किया गया। गाने जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और जो लिरिसिस्ट हैं हमारे मनोज मुंतशिर, उनको बताया गया था कि सिंपल लिरिक्स चाहिए पर मेलोडी चाहिए, गानों के अंदर मेलोडी चाहिए, कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं किए गए हैं, सिंपल मेलोडी रखी गई है जो आप इंजॉय करेंगे। तो पूरा का पूरा जो एक अप्रोच था फिल्म का वो बिल्कुल उसी स्टाइल में था जो आपको पहले फ्रेम से नज़र आ जाएगा। राजीव, 80 का जो दशक था वो गोविंदा का दौर था, अनिल कपूर, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, इनका दौर था। आपने भी यकीनन बहुत सारी फिल्में 80 के दशक की देखी होंगी। किस तरह की फिल्में आप एंजॉय करते थे 80 के दशक में? कौन सा फेवरेट हीरो रहा है? कौन सी फिल्में देखकर आप बड़े हुए 80 के दशक? जिस तरह की फिल्म प्रणाम है बिल्कुल उसी तरह की फिल्में मैं देखा करता था। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो याद आती हैं फिल्में, बच्चन साहब की तो आपको काफ़ी सारी फिल्में याद आती हैं, लेकिन उसके अलावा घायल, अर्जुन, गर्दिश, तेजाब, राम लखन, ये सब वो फिल्में थी जहाँ पर एक अंडरडॉग होता था, एक एक
एक इन्वायरमेंट होता था जहाँ पर एक हीरो हालात हीरो को बनाता है, हीरो हीरो नहीं होता, लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं होता, वो हालात से बना हुआ एक एक कैरेक्टर होता है। तो यही फिल्में देखी थी और मैं मुझे जब ये फिल्म ऑफर की गई तो मैंने यही सोचा कि यार ये वापस बनेंगी नहीं ऐसी फिल्में, कभी कोई बनाएगा नहीं, कोई जिसे हम कहते हैं रिस्क कोई उठाएगा नहीं कि यार उस तरह की फिल्में वापस की जाएँ कि नहीं की जाएँ। तो मेरे लिए था कि यार एक बार तो मौका मिला है, मैं कम से कम वो किरदार निभा लूँ जो मेरे स्क्रीन के हीरोज़ ने निभाया था। तो वो मौका मिला तो मैंने तो निभा लिया। अब बस उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक भी जाकर देखे और इस उस दर्शक को एंजॉय करे। ऑफ कोर्स एक इसमें रिस्क है, जो मैंने डायरेक्टर को तब भी कहा था कि क्या पता 2019 में, लेकिन जिस तरह की मैं देखता हूँ कि रीमिक्स गाने बनाए जा रहे हैं, लोगों को पसंद आते हैं, पुरानी फिल्मों का रीमेक किया जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट किया। मैं दाद देना चाहूँगा संजीव जी की जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, कि उन्होंने एक स्टाइल को रीमेक किया कि लेट्स बी वेरी सिंपल। कभी कभी ड्रामेटिक मोमेंट्स हैं, कभी कभी थोड़ा मेलो ड्रामा है इसके अंदर, कभी कभी लॉजिक आपके साथ में लेते नहीं कि यार आप नहीं करते, अरे यार ये यहाँ से बाहर निकला था तो फिर वहाँ पे ऐसा कैसा हो गया, आप थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं जो एक उस टाइम में होता था फिल्मों के अंदर कि यार ये तो गया, ये पुलिस स्टेशन में जाके कैसे मारा इसने उसको। अब आज के दौर में तो मैं क्वेश्चन करूँगा कि यार कोर्ट में जाके तो आदमी नहीं कर सकता ऐसा, कहाँ होता है ये, कोर्ट में तो नहीं होता, लेकिन तब होता था कि आप एक जब आप बेसिकली एक इमोशन दिखाते थे कि एक इमोशन इसका ऐसा है, तो वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा सीक्वेंसेस बनाई हैं। लेकिन राजीव एक बात 80 के दशक के बारे में ये कही जाती है कि 80 का दशक जो था वो हिंदी सिनेमा का वर्स्ट पीरियड भी था सिनेमा को लेकर, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि बहुत वर्स्ट किस्म की फिल्में बनी, साउथ की फिल्मों की रीमेक बहुत बनती थी और बेसिर पैर की कहानियां होती थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा माना जाता है खराब फिल्में तो 70 में भी बनी है, 80 में भी बनी है, 90 में भी बनी है, आज भी बन रही है, खराब फिल्में तो बनी जाती हैं, लेकिन 70 का एंड और 80 के दशक को क्लासिक हिंदी सिनेमा कहा जाता है, जब क्लासिक्स कल्ट फिल्में बनी थी। अगर आप घायल की बात करेंगे, अगर आप राम लखन की बात करेंगे, अगर आप तेजाब की बात करेंगे, अगर आप लेट 70s की और 80s की बात, अर्जुन की बात करेंगे, तो ये सब क्लासिक बॉलीवुड ने कहा जाता है। एक गोल्डन एरा था जब वो देव साहब इन सबका एक गोल्डन एरा था, राजेश खन्ना का, उसके बाद क्लासिक एरा कहा जाता था कि जो क्लासिक एरा था, तो ये क्लासिक एरा को समर्पित है। साउथ की रीमेक के को तो मैं क्या कहूँ मैं इसका, पर खराब फिल्में तो खैर मैंने जैसा कि कहा कि हर दशक में बनती हैं, हर साल बनती हैं, पर ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको याद आए, कोई बहुत सारी फिल्मों की झलकियाँ याद आएंगी कि हाँ ये उस टाइम की फिल्में हैं जब बना करती थी। बचपन से आप कौन सा सिनेमा, किस एक्टर का सिनेमा सबसे ज़्यादा देखा करते थे, किसका प्रभाव आपके दिमाग पर ज़्यादा रहा है? एक एक्टर का नाम अगर बताना हो कि आप उनकी फिल्में देखने के लिए बार बार थिएटर जाते थे या टेलीविजन ऑन करते थे, डीडी पे फिल्में आया करती थी या वीएचएस का ज़माना था, हम वीडियो में देखते थे फिल्म। नो डाउट आई थिंक बच्चन साहब की फिल्में थीं जो ज़्यादा देखते थे या ज़्यादा पसंद करते थे, और बच्चन साहब क्योंकि हर किरदार में बहुत ही कन्विंसिंग होते थे, वो चाहे डॉन बने या वो चाहे गरीब कैरेक्टर का पोर्ट्रेल कर रहे हो या किसी अमीर आदमी का पोर्ट्रेल कर रहे हो, तो आई थिंक उन्होंने हर कैरेक्टर को बड़े कन्विंसिंगली किया है अपने लाइफ में। कॉमेडी भी करते थे तो आपको किसी भी कॉमेडियन से बेटर कॉमेडी करते थे, एक्शन करते थे किसी भी एक्शन हीरो से बेटर एक्शन करते थे, तो आई थिंक उनका प्रभाव ज़रूर रहा होगा। तो उसके अलावा ऑफकोर्स जैकी श्रॉफ थे, अनिल कपूर थे, सनी डियोल थे, संजय दत्त थे, मिथुन दा थे, आई थिंक सो, या करेक्ट। आपने टेलीविजन से अपना करियर शुरू किया, फिल्मों में आए, फिर वेब सीरीज भी की, अब हम जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा किस मीडियम को आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं, किसको ज़्यादा एंजॉय किया है आपने? देखिए ये सवाल का जवाब देते वक्त मैं हमेशा सोचता हूँ कि सवाल ही कैसा है ये, क्योंकि मैं किसी मीडियम पर जाके एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं बड़े पर्दे पर जाके एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं तो रील पर एक्टिंग करता हूँ, और मेरे लिए, और आप भी बड़ी फिल्में जो हैं छोटे पर्दे पर देखते हैं, नहीं देखते हैं? हमने दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज़ द गेम ऑफ थ्रोन्स डिजिटल पे देखी है, तो आपको क्या लगता है कि जो डिजिटल पे जो वो काम कर रहे थे गेम ऑफ, फर्क नहीं करते किसी भी मीडियम में जब आप एक्टिंग करता, दुनिया में कोई फर्क नहीं करता, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के जो एक्टर्स हैं या दुनिया की जो बड़ी सीरीज़ हैं उसके एक्टर्स हैं, क्या लगता है आपको कि वो सोचते हैं कि हम डिजिटल पे काम कर रहे हैं? वो फिल्मों से बड़े पैमाने पे शूट की जाती हैं, दिखाई डिजिटल पे जाती हैं। तो किसी भी एक्टर के लिए, किसी टेक्नीशियन के लिए, जैसे मैंने भी एक प्रदीप सरकार के साथ में की, आपको क्या लगता है प्रदीप सरकार सोच रहे थे कि मैं डिजिटल पे काम कर रहा हूँ? वही अंदाज था, वही कैमरामैन जिन्होंने बड़ी बड़ी रेस जैसी फिल्में शूट की हैं वो शूट कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक, क्या कहूँ मैं, ये बड़ा पर्दा छोटा पर्दा, ये
भाव नहीं करते और करना नहीं चाहिए। ये आप लोग ही करते हैं, ये मीडिया में ही बात होती है कि छोटा पर्दा बड़ा पर्दा, टीवी का पर्दा, टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, थिएटर एक्टर, ये वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो कोई बात नहीं करता है कि यार ये टीवी एक्टर है या ये फिल्म एक्टर है या ये दूसरा एक्टर है। एक्टर एक्टर होता है, उसका काम है एक्टिंग करना। जब मैं सेट पे जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल में सारा छट छुटकू सा हो जाता है और फिल्मों में बड़े बड़े सेट होते हैं, जी नहीं, बिल्कुल सेम होते हैं। ये गलत फहमी होगी आपकी, बिल्कुल सब कुछ सेम होता है। एक्टिंग भी आप सेम करते हैं, आप फिल्मों में बड़ी एक्टिंग नहीं करते हैं और छोटे पर्दे पर छोटी एक्टिंग नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ देखने का माध्यम है कि आप कहाँ देखते हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम अधिकांश फिल्में छोटे पर्दे पर देखते हैं। एक सवाल और जाते जाते कि ये चर्चा बहुत हो रही है कि कहीं तो होगा का सीजन 2 आ रहा है और आप उसमें अपियर होने वाले हैं, क्या इस खबर में कितनी सच्चाई है, कुछ बता पाएंगे? जी नहीं, इसमें मैं अपियर होने वाला हूँ इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये भी मैंने सिर्फ सुना है और आप लोगों से ही सुना है, और भी मुझे कुछ मीडिया से लोगों ने पूछा था कि राजीव कहीं तो होगा का रीमेक बनने जा रहा है, मैंने सुना है। मुझे इस बारे में कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मुझे किसी ने फॉर्मल बात की है, और मैं बहुत खुश हूँ कि उसका रीमेक बन रहा है शो का, क्योंकि उस शो ने बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए थे टेलीविजन इंडस्ट्री को और इन जनरल एक्टर्स दिए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर नया सीजन बने तो फिर दोबारा कई एक्टर्स और कई टेक्नीशियंस और लोगों को दिए जाएँ। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।